Hello everyone, my name is Minnie and I welcome you all to my channel Daily Review. So friends, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टोनर वर्सेस एस्ट्रोजन का टोनर, और मेरे पास साथ ही में है आयुर का एस्ट्रोजन गाइस। इन दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन होगा, और वैसे भी जितने भी टोनर्स मिलते हैं मार्केट में, ताकि आप सभी जान पाएँ कि टोनर और एस्ट्रोजन में क्या फ़र्क होता है एक्चुअल में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे काफ़ी लोगों के हाल ही में कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टोनर्स की रिव्यू अपने चैनल पे कर चुकी हूँ गाइस। तो मुझे काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारी स्किन टाइप ऐसी है, हम क्या यूज़ करें, एंड दे आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि टोनर यूज़ करना चाहिए एस्ट्रोजन यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आप सभी के डाउट्स एंड मिथ्स को जो है क्लियर आउट करूँगी, ताकि आप लोग को बेनिफिट मिल सके, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके गाइस। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन देख रहे हो उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो से नोटिफाई हो जाएगा इस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टोनर क्या होता है दोस्तों? टोनर हमारी स्किन को जो है क्लेंस करता है, हमारी स्किन में से डर्ट को निकालता है। जिनकी एक्स्ट्रा मैं कहूँगी ऑयली स्किन होती है, उनके लिए टोनर यूज़ करना दी बेस्ट होता है गाइस। मेरी खुद की जो फेस की स्किन है वो ऑयली है, तेलिया त्वचा है, तो मैं हमेशा जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं उन्हें रेकमेंड करती हूँ कि वो टोनर का यूज़ करें, एंड बहुत मार्केट में मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि ये आयुर की टोनर की बात की जाए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोनर्स। मैं ऐसे मतलब काफ़ी सालों से यूज़ करती आ रही हूँ दोस्तों, मतलब ये एक बॉटल नहीं है, ऐसे मैंने कई बॉटल्स मतलब परचेज़ की है अपने लिए, बट ये मैं सबसे बेस्ट मानती हूँ। क्योंकि ये असर में भी बहुत अच्छा है, एंड प्लस इट इज़ वेरी मच बजट फ्रेंडली ऑल्सो गाइज। बट कितने लोगों को मतलब मन में रहता है कि एस्ट्रोजन भी सेम काम करता है, इट इज़ लाइक टोनर ओनली, और दोनों की आप देखे जाए तो पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट कलर में डिफरेंस है। बट मैं आपको ये दोनों के डिफरेंस बता दूं। टोनर जो होता है ना दोस्तों, इसे सिर्फ और सिर्फ जिनकी ऑयली स्किन है वो ही इसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपना फेस जब क्लियर करते हैं ना, स्पेशली टू ऑयली स्किन वालों के लिए मैं कहूँगी, आप लोग इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। जितने लोगों की तेलिया त्वचा है उनको इस चीज़ की शिकायत तो ज़रूर होती होगी कि हम बेस्ट टू बेस्ट फेस वॉश अगर यूज़ कर ले, फिर भी हमारे स्किन में जो हमें वी फील दैट ऑयल, वी फील द टेक्स्चर ऑफ ऑयल, एंड हमको फिर भी वो चिपचिपी फीलिंग आती है। उसके बाद हमने तुरंत यूज़ करना चाहिए टोनर दोस्तों। वो डर्ट निकली है, वी नीड दैट मोर क्लेंलीनेस ऑन आवर फेस, एंड टोनर डर्ट निकालता है, एक्सेसिव ऑयल को मतलब जो है वो बैलेंस करता है हमारे स्किन से। ओपन पोर्स की अगर किसी को शिकायत है, जितने ऑयली स्किन वाले हैं उनको ओपन पोर्स की शिकायत होती ही है दोस्तों, तो उसे जो है मिनिमाइज़ करता है, फेस को स्टिफ रखता है, फर्म रखता है, टाइटन अप करता है आपके फेस को, और आपको यंगर लुक देता है गाइज। एंड मैंने ऐसे काफ़ी CTM की वीडियोज़ की है, क्लेंसिंग की वीडियो की है, मैं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा टोनर को किस तरीके से यूज़ करना है। फिलहाल तो आपने जैसे कि वीडियो में देखा ही है कि इसको एज इट इज़ भी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड टोनर जो होते हैं ना, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही यूज़ करना चाहिए गाइस। इससे मतलब मैं ड्राई स्किन वालों को तो डेफिनेटली उन्हें एक नो बोलूँगी कि उन्हें तो टोनर बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए और ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी। कितने ही टोनर्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं बने होते हैं गाइज। यस दोस्तों, अब बात की जाए एस्ट्रोजन की। मुझे हाल ही में मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम शबनम खान है। तो शबनम जी, अगर आप मुझे देख रही हैं तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने किसी यूट्यूबर को फॉलो किया था, उनकी मतलब रिकमेंडेशन को फॉलो किया था एस्ट्रोजन के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके साथ क्या हुआ था गाइस। पहले तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन जो है ये भी हमारे स्किन की पोर्स टाइट करता है, स्किन की डर्ट मैल मिट्टी निकालता है। इसे भी जो है ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एस्ट्रोजन को जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है गाइस, अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा मतलब बॉयल्स है अगर आपके फेस पे, तो आपने कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। शबनम जी ने किसी की बात सुन ली, कोई यूट्यूबर की, उन्होंने मुझे उस यूट्यूबर का जो है ID भी बताया है गाइस, बट मैं उस चीज़ को मतलब अपने चैनल पर नहीं बोलना चाहूँगी। एस्ट्रोजन उन्होंने अपने पिंपल्स के ऊपर यूज़ किया, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एस्ट्रोजन दोस्तों, एस्ट्रोजन के अंदर अल्कोहल होता है, एस्ट्रोजन के अंदर पैराबिन होता है, अल्कोहल होता है, जो कि आपके एक्ने प्रोन स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता गाइस। अगर आप इसे पिंपल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, आपके पिंपल्स में आपको जलन होगी, स्किन आपकी जलेगी, पिंपल आपका जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड द प्रॉब्लम विल वर्सन मोर एंड मोर, प्रॉब्लम आपकी वर्स हो सकती है दोस्तों। येस गाइस, तो यही एक डाउट है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। ऑयली स्किन वाले एस्ट्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं और टोनर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इनमें एक डिफरेंस है कि जितनी ऑयली स्किन वालों की अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो उन्हें एस्ट्रोजन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम जो है और वर्स हो जाएगी। और इस वीडियो में आपको और एक बात और बता दूँ गाइस कि जितने मेरे मेल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मर्द है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स उनके ऊपर भी लागू होते हैं। टोनर और एस्ट्रोजन उन्हें भी यूज़ करने चाहिए गाइस। एस्ट्रोजन और टोनर ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको कहा एक्ने प्रोन स्किन है तो आप एस्ट्रोजन का कभी भी मत यूज़ कीजिएगा, ये आपकी जो स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देगा गाइस। एंड बाकी मैं आपको बता दूं दोनों का ही मतलब जो मैं कहूँगी कि एक रिज़ल्ट देने की चीज़ है वो सेम है। दोनों ही हमारे स्किन को एक अच्छा उभरा हुआ रंग देती है, फ्रेश बनाती है हमारे स्किन को। एंड हम कभी भी पार्लर्स जाते हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर अपर लिप्स की वैक्सीन कराते हैं, अगर आप अपर लिप्स की थ्रेडिंग भी कराते हैं तो आप क्रीम मत लगवाइएगा। आप उन्हें बोलिएगा कि अगर आप उनके पास अगर एस्ट्रोजन अवेलेबल है तो वो आपको वहाँ पर एस्ट्रोजन लगाएगा, क्योंकि आपके पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं। अगर आप वैक्सीन भी कराते हैं तो गाइज, अगर फेशियल वैक्सीन कराते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप जॉ लाइन में भी अगर वैक्सीन कराते हैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक स्पार्क देगा, थोड़ा सा आपको बर्न होगा, बट आपके पोर्स को जो है उसी टाइम तुरंत क्लोज करेगा। तो ये एक मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दूँ। उन्हें तो पता चल गया कि एस्ट्रोजन और टोनर में क्या फ़र्क है, मतलब किन किन लोगों को जो है टोनर यूज़ करना चाहिए। और एस्ट्रोजन भी ऑयली वाले यूज़ कर सकते हैं स्किन वाले, बट कैसे ऑयली स्किन, कुछ ऑयली स्किन होती है जिनको बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं होते, स्किन एकदम क्लियर होती है, यू कैन गो फॉर एस्ट्रोजन ऑल्सो गाइज। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको क्या रेमेडी है, उनके लिए क्या है। ड्राई स्किन वालों को तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि ना ही एस्ट्रोजन यूज़ करें ना ही टोनर यूज़ करें, उनके लिए ऐसा नहीं है। मतलब आयुर का टोनर तो मैं उन्हें डेफिनेटली मना करूँगी यूज़ करने के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वाले आप क्या करेगा, इस स्किन टाइप भी मैं आपको बता दूँ 5 किस्म की स्किन टाइप्स होती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन। तो हर एक के बारे में आज बात होगी। जिनकी नॉर्मल स्किन है बट पिंपल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो वो लोग भी जो है टोनर और एस्ट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, बट आप वो पॉइंट का ध्यान रखिए कि कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब जो ड्राई स्किन वाले उनका क्या किया जाए। ड्राई स्किन वालों के लिए भी टोनर बना है, वो भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ टोनर्स ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होता, जैसे कि ये हिमालय का टोनर आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। हिमालय का टोनर की रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कर चुकी, करंटली मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको उसकी पिक बता रही हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ये वीडियो चेकआउट कीजिएगा। दूसरा आता है ये बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर। दिस इज़ कम्प्लीटली वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, फॉर जिनकी रूखी त्वचा है उनके लिए बहुत बेटर है। ड्राई स्किन वाले कोई भी टोनर यूज़ करें उस चीज़ में याद रखिएगा कि उसके अंदर तासीर होनी चाहिए सिट्रस फ्रूट्स की, जैसे कि इसके अंदर तासीर है ककड़ी की, खीरे की तासीर है, इसके अंदर क्यूकम्बर की तासीर है। तो जितने भी ड्राई स्किन वाले हैं वो इस तरीके से टोनर यूज़ कीजिए। वो आयुर के टोनर, अपने इंग्रीडियंट्स ज़रूर देखिए कि आपके टोनर के अंदर अल्कोहल नहीं होना चाहिए, वो ही टोनर आपको सूट होगा। आपको देखना चाहिए आपके टोनर के अंदर, जैसे कि ये सिट्रस खीरा है, आपके टोनर के अंदर उस वाटर की तासीर होनी चाहिए, तो इस तरीके से एलोवेरा की तासीर होनी चाहिए आपके टोनर में। तो ऐसे बहुत से टोनर मिलते हैं। सबसे पहले तो ये रहा बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर, और दूसरा है हिमालय का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये दो तो मेरी नज़र में दी बेस्ट रहेंगे ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ करना गाइस। यस दोस्तों, एंड ये भी आपको वही असर देगा, आपके स्किन को क्लेंस करेगा, डर्ट मैल मिट्टी को क्लेंस करेगा, और आपके पोर्स को जो है, अगर आपके भी ओपन पोर्स की शिकायत है अगर किसी ड्राई स्किन वालों को, तो उसे श्रिंक करता है, यंग लुकिंग फेस देता है। और ये ऐसे वाले अगर आप सिट्रस वाले यूज़ करते हैं ना, जिसमें खीरे की तासीर है, एलोवेरा की तासीर है, तो ड्राई स्किन वालों को जो है मॉइस्चराइज़र के जैसे भी काम करेगा उनका टोनर। यस दोस्तों, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा करके मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उनकी त्वचा इतनी ज़्यादा रूखी रहती है, तो आपको उस तरीके से वो हाइड्रेटेड भी रखेगा। इंग्रीडियंट्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि ऐसे इंग्रीडियंट्स आपके टोनर में होने चाहिए। एलोवेरा होना चाहिए, खीरे की तासीर होनी चाहिए, रोज़ वाटर की तासीर होनी चाहिए। अगर ऐसे आप देखते हैं तो वो ही टोनर्स आपको सूट होंगे। बट जैसे कि आयुर का टोनर है, इसके अंदर अल्कोहल कंटेन है, इसके अंदर पैराबिन कंटेन है, तो आपको ऐसे टोनर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए गाइस। और एस्ट्रोजन तो ड्राई स्किन वालों को डेफिनेटली, ये दोनों चीज़ें मैं उनमें मना करूँगी। ड्राई स्किन वालों को एस्ट्रोजन भी बिल्कुल सूट नहीं होगा। एस्ट्रोजन तो मैं सभी से कह दूँ, जिनको एक्ने प्रोन स्किन है उन्हें कभी भी एस्ट्रोजन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन के अंदर जो है अल्कोहल की तासीर थोड़ी ज़्यादा होती है गाइस। तो ये आपकी स्किन को लिटरली बर्न करेगा और रिपेयर करने की जब आपकी बारी आएगी ना स्किन की, इट विल लिटरली टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिपेयर योर स्किन। तो इसलिए मैं आपको आज वार्न करती हूँ कि जितने भी एक्ने प्रोन स्किन वाले कभी भी मतलब वो जो है एस्ट्रोजन का यूज़ ना कीजिएगा। अब बात करते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है, इस तरीके से यूज़ करें। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप जो है आप यूज़ कर सकते हैं डाबर गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं आप गाइज़। येस, ये भी टोनिंग का ही काम करता है ड्राई टू सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे एक कॉन्फिडेंस लैक आउट कर रहा है आपको कि नहीं भैया हमें तो फिर भी मतलब हमको और सिक्योर चाहिए, हमको वी आर लिटरली वेरी मच सेंसिटिव अबाउट आवर स्किन, जितने भी ड्राई स्किन वाले, क्योंकि ड्राई टू सेंसिटिव स्किन वालों को कितने ही प्रोडक्ट्स जो है सूट नहीं होते, फिर भी अगर आपके मन में वो एक शिकवा है, एक वहम है कि नहीं भैया हमें मतलब और वो चाहिए, तो आप लोग डियर आप लोग जो है डाबर की जो रोज़ वाटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रे बॉटल में आती है, आप लोग देख सकते हैं। यू कैन एज इट इज स्प्रे ऑन योर फेस। और या तो आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से, जो मैंने आपको वीडियो में बताया ना उसी तरीके से आप इसे कॉटन बॉल में निकालिए और आप अपने फेस पे जो ऐसे क्लियर कीजिए। आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, जैसे आप उसे फेस पे क्लियर करते हैं ना कॉटन बॉल की हेल्प से, तो उसे लिटरली आपने स्क्रिबल नहीं करना है, रब नहीं करना है, जितना क्वांटिटी निकाले उतनी एक बार में दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड। बार बार निकाल के बार बार उसे ऐसी गलती ना कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने ड्राई टू सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो लोग गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि गुलाब जल भी दो किस्म के मार्केट में मिलते हैं दोस्तों। एक तो रहे गुलाब जल टोनर, और नॉर्मल आप शॉप में जाएंगे तो वो आपको पूछेंगे कि गुलाब जल चाहिए कि गुलाब जल टोनर चाहिए। काइंड ऑफ यू विल बी कन्फ्यूज कि भैया मतलब ये क्या कन्फ्यूजन हो गई, मतलब गुलाब जल भी है गुलाब जल टोनर भी है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। जो ये गुलाब जल होता है, जो गुलाब जल टोनर होता है, ये आपके स्किन को टोनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। आपके स्किन के डर्ट मैल मिट्टी निकालेगा, आपको यंगर लुक देगा। ये भी वही सारी क्वालिटीज़ रखता है। जो प्योर गुलाब जल होता है ना गाइस, वाइट कलर की बॉटल होती है, जो तकरीबन स्वीट डिशेस में यूज़ होता है, कुछ कुछ डिशेस में यूज़ होता है, उसे भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। वो प्योर गुलाब के पत्तों से बना हुआ है। दैट इज़ एक्सट्रीमली जेंटल फॉर सेंसिटिव स्किन। जिनकी एकदम से सेंसिटिव स्किन है उनके लिए प्योर गुलाब जल जो मार्केट में मिलता है वो डेफिनेटली उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ऐसे जो टोनर फॉर्म में मिलते हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, जितने भी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन वाले हैं। जो प्योर गुलाब जल होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, वो राउंड अबाउट 50 रुपीज़ के अंदर आ भी जाता है गाइस, 30 to 40-50 के अंदर आ जाता है। बट उसका एक मैं आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट भी बता दूँ कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको सनबर्न हो रखा है तो आप सनलाइट से जैसे ही आते हैं तो आपकी चेहरे की त्वचा जो है वो बर्निंग सेंसेशन में होती है। तो जो प्योर गुलाब जल मिलता है ना गाइज, उसे आप कॉटन की हेल्प से उस जगह पे लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए उस जगह पे। डेफिनेटली आपको जो सनबर्न हो रखा है आपको उसमें हीलिंग मिलेगी और बहुत बढ़िया वाली हीलिंग मिलेगी। एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर बॉडी ऑल्सो। अगर आपके पीठ में कहीं सनबर्न हो रखा है, हाथ पे कहीं सनबर्न हो रखा है, तो आप वहाँ पर भी उसे यूज़ कर सकते हो, जो प्योर वाला गुलाब जल आता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मतलब मैंने आपके आई होप मैं दोस्तों आप सब मेरी बात को यू आर गेटिंग इट कि टोनर एस्ट्रोजन और रोज़ वाटर में क्या फ़र्क है और कौन से स्किन टाइप वालों को कैसा यूज़ करना चाहिए गाइस। तो मैं हमेशा अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कहती हूँ कि टोनिंग हमें फेस की रोज़ करनी चाहिए। एज़ यू क्लीन योर फेस, हम जैसे ही फेस वॉश से फेस क्लीन करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले आपने टोनिंग ही करनी चाहिए। हमारे स्किन के pH बैलेंस को ठीक रखता है, यंग लुकिंग फेस देता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, डर्ट मैल मिट्टी को निकालता है, एंड इट कीप्स यू हाइड्रेटेड कम्प्लीटली, कीप्स योर फेस हाइड्रेटेड। और स्पेशली समर्स में अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ आप मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करें एंड डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए गाइस। एंड आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि क्लेंसिंग किस तरीके से की जाती है फेस की, एंड CTM किस तरीके से की जाता है, अगर आप CTM के बारे में अवेयर नहीं है तो गाइस। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई है। एंड एस्ट्रोजन एंड टोनर या रोज़ वाटर, मैंने आपको इस सभी के बारे में बहुत क्लियरली बता दिया है कि इन्हें किस टाइप के स्किन वाले कैसे यूज़ करें और कौन सी स्किन वालों को इसे यूज़ करनी चाहिए, कौन सी स्किन टाइप वालों को इसे यूज़ करना चाहिए गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई है। एंड आप सभी जानते हैं आपने मेरी इस वीडियो को तो बहुत सारे लाइक्स देने हैं दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लाल बटन आप देख रहे हैं ना उसे ज़रूर दबाइएगा, एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए ये बेल आइकन आपको अपनी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आप सबसे पहले नोटिफाई हो जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ठीक है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है इस टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। आई वुड लव टू रीड देम एंड लव टू आंसर देम ऑल्सो। लव यू ऑल गाइज, बाय।